अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल करीम टीवी में खुश आमदीद। डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के पास लेटेस्ट न्यू अपडेट लेकर आया हूँ सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों के हवाले से। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह में से कटौती का अमल शुरू कर दिया गया है। ये सिर्फ जितना भी सरकारी टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह में से कटौती की जाएगी और जितना भी मुलाज़मीन है उनकी तनख्वाह में से कटौती का अमल नहीं शुरू किया जाएगा। अब ये कटौती क्यों की जाएगी, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुलाज़मीन के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से जितना भी लेटेस्ट न्यू अपडेट आती है उनकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोग के साथ पहले शेयर करता चलो। वज़ारत खजाना महकमा है खजाना की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कोरोना की छुट्टियों के दौरान जितना भी टीचर्स को कन्वेंस लोन मिलता रहा तो उस कन्वेंस लोन की रिकवरी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब क्योंकि इस माह जब सरकारी मुलाजमीन को जो सैलरी दी जाएगी नवंबर के महीने में, तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन जितना भी सरकारी टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह में से कन्वेंस लोन की कटौती का अमल शुरू कर दिया गया है। इसकी दो या तीन किस्तें दी जाएगी। पहली किस्त यहाँ पे स्केल वाइज कटौती की जाएगी, स्केल 1 से लेकर स्केल 16, 17, 18 तक जितना भी सरकारी टीचर्स हैं मुलाजमीन हैं उनकी स्केल वाइज जो कन्वेंस लोन है उस हवाले से कटौती की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचर्स की कटौती की गई, रिकवरी की गई 3,617 रुपये। यहाँ पे अब आप लोग इस डेट को भी देख सकते हैं 18/10/2021 को, मतलब है महकमे ख़जाना की तरफ से अब कटौती का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है सरकारी टीचर्स की तनख्वाह में से। अपडेट थी, इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक कर दें, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।